राजस्थान के अजमेर में बदमाशों का हमले के शिकार हुए सिपाही निरंजन शर्मा की इलाज के दौरान जयपुर के अस्पताल में मौत हो गई है। कल देर शाम कुछ बाइक सवार बदमाशों ने निरंजन पर पेट्रोल छिड़क कर उन्हें आग लगा दी थी। घटना के समय सिपाही शहर के अना सागर चौकी पर तैनात थे। करीब 80% तक जले सिपाही को इलाज के लिए जयपुर लाया गया था। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक सिपाही निरंजन शर्मा पिछले 2 दिन से छुट्टियों पर थे। उन्होंने कल ही ड्यूटी ज्वाइन की थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमला करने वाले बदमाशों की तलाश तेज कर दी है। मोइन है हमारे साथ अजमेर से। मोइन, हम जानना चाहेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या थी कि क्यों सिपाही को बदमाशों ने जला डाला, और दूसरा क्या इसमें कोई गिरफ्तारी अब तक हो पाई है? देखिए शारिक, जहां तक अब तक पुलिस अधिकारी जो कह रहे हैं कि जो कल रात में जो घटना हुई थी उसके मुताबिक 2 बदमाशों ने इनके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर, जब ये मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे तब 2 बदमाशों ने इनके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर इनको आग लगा दी, जिसमें तकरीबन ये 80-90% झुलस गए थे। लेकिन अभी कुछ बातचीत के बाद जो कुछ आला अधिकारियों से जो बातें निकल कर जो सामने आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ दिनों से ये डिप्रेशन में थे अपने एक पारिवारिक कलह को लेकर, शायद कोई ऐसी वजह होगी। अब इसको भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि क्या उन्होंने कहीं आत्महत्या तो नहीं करी है, या तो फिर ये कुछ बनावटी कहानी बना रहे हैं, या इस तरह से अभी तक बातें कही जा रही है। लेकिन अभी तक पुष्टि किसी चीज की नहीं हुई है, ना ही किसी को गिरफ्तार किया गया है। और देर रात इनकी हालात जैसे ही खराब होते गए, इनको जयपुर SMS अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया था, जहां पे इलाज के दरमियान जो है इन्होंने दम तोड़ दिया। शुक्रिया मोइन। जैसे ही तस्वीर और साफ होती है हम आपके पास लौटेंगे इस मामले पे ज़्यादा जानकारी के लिए। तो यहां हम आपको बता दें कि सिपाही निरंजन शर्मा की जयपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है।